राधे राधे भगवान जी, हरे कृष्णा। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए नया साल बहुत शुभ और मंगलमय हो। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। नया साल जो है वो एक नया मोमेंट होता है, एक नई शुरुआत होती है। जैसे कुछ भी जब हम नया करने जाते हैं तो पहले पिछला देखते हैं, तो अगर हमको लगता है कि अगर हम पहले से ज़्यादा खुश, तृप्त, भरपूर भगवत भाव में हैं, तो इट इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट। न्यू ईयर इज़ अ सेलिब्रेशन, बट इज़ इट अ टाइम टू सेलिब्रेट? इट्स नॉट ओनली डांसिंग एंड म्यूजिक एंड ईटिंग फूड, बट आर वी प्रोग्रेसिंग? देन इट इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस समय लग रही है जीवन में, कि हर समय हमारा भाव शुद्ध रहे, हम भाव की रक्षा करें। अगर भाव बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। बार बार पुकारें, हे नाथ बचाओ बचाओ, जरा भी भाव बिगड़ता है तो हमारी वाइब्रेशंस बिगड़ती हैं। हमारी वाइब्रेशंस बिगड़ती हैं तो हमारे चारों तरफ का जो वाइब्रेशंस है वो भी बिगड़ जाती हैं। एक एक व्यक्ति अगर अपने भाव को शुद्ध रखेगा तो पूरी अर्थ प्लैनेट का भाव शुद्ध हो जाए। तो भगवत प्रेम से, गुरु के प्रेम से अपने दिल को भर लीजिए और शुद्ध भाव, भगवत भाव में रहिए। टाइम के साथ हमारी फिज़िकल बॉडी तो डिप्लीट होती है, पर क्या हम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली अपने को पहले से ज़्यादा फिट फील करते? क्योंकि जब गुरु साथ होते हैं, जैसे दादा भगवान ने कहा, आई फील माई सेल्फ 80 years यंग, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू शुड बिकम यंगर। कैसे? आई एम नॉट दिस फिजिकल बॉडी, मैं ये शरीर तो नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। अब फिट फील करने के लिए हमें हमेशा गुरु के सानिध्य में, सत्संग में और भगवत भाव में, भगवत प्रेम में रहना चाहिए। और दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग नियम से करनी चाहिए। अगर हम ये नियम से कर रहे हैं तो, और हमारे जीवन में सत्संग, गुरु हैं, तो हम फिज़िकली और मेंटली और इमोशनली फिट फील करेंगे। देन इफ वी आर फीलिंग फिट एंड यंगर, देन इट इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट। फिर हम देखें कि हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज़ मनी एंड मोर देन मनी। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। एवरी मोमेंट इज़ प्रेशियस। तो जब जीवन का अंत समय आएगा तो हम किसी से कहें हमें 2 श्वास दे दो, हम भगवान का नाम ले लें, तो कोई हमें 2 श्वास देगा? नहीं देगा। तो क्या हम अपना सारा टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हैं भगवान के नाम में, भगवान के भजन में? थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप मुझे प्यारे लगे। होली बुक्स पढ़ने में, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, रामायण आदि पढ़ने में जा रहा है, या हम अपने टाइम को टीवी, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, इनमें व्यतीत कर रहे हैं? तो अगर हम टाइम को ठीक से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वी आर सेटिस्फाइड विद आर लाइफ, देन इट इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट। फिर गुरु कहते हैं, अप्लॉज डाइज अवे, ट्रॉफीज गैदर डस्ट। 10 साल पहले कौन मिस यूनिवर्स बना था आपको याद? कौन 10 साल पहले क्रिकेट टीम का कैप्टन था आपको याद है? कितने लोगों ने ओलंपिक्स में मेडल जीते आपको याद है? जिसने तुम्हारे दिल को छुआ होगा वो तुम्हें याद होगा। तो जैसे गुरु हमारे दिल को छूते हैं और हमें बताते हैं कि सबके हित के लिए जियो, ऐसे ही हमारा जीवन भी सबके हित के लिए हो। तो हम आइए कुछ ऐसी मेमोरीज देखते हैं गुरु के साथ जो पिछले सालों में हमारी बहुत प्लेजेंट थी।